मेरा नाम जी मोहम्मद इमरान अब्बास है और मैं आपके खाना गुजर पार्ट में बतौर सेक्रेटरी एग्जाम दे रहा हूँ। मेरे साथ जी एस पी साहब ने भी तशरीफ लाना था लेकिन यकदम उनकी काउंटा की तरफ सुबह निकल आई जिसकी वजह से वो काउंटा चले गए, तो उनकी तरफ से माजरत कबूल कीजिएगा, वो आज नहीं आपसे बात कर सकेंगे। आपके पास आने का मकसद जो है वो ये है कि लेकिन दो चार चीज़ें हैं जो आजकल माशरे में बड़ी तेजी से पनप रही है, जिसके अदराक के लिए और तदारक के लिए जरूरी था कि हम खुद आके मसाजिद में या जहाँ पे कम्युनिटी अवेलेबल है वहाँ पे आके ये पैगाम आप तक पहुँच जाए। जैसे कि आजकल आपको पता है कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादा के जो केसेस हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस सिलसिले में तमाम हजरात से वालदैन से बिलखसूस ये गुजारिश है कि अपने बच्चों की हरकतों सकरात पे उनके जो जिनके साथ उनका उठना बैठना है उन अफराद पे खुसूसी नजर रखें। आपको पता है बच्चे मासूम होते हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोग उनको बहला के फुसला के अपने मजमू मकासद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है बल्कि पूरे खानदान के लिए वो एक बड़ी परेशानी का बायस बनते हैं। हम लोग जो पुलिस अफसरान हैं अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अगर इस किस्म का केस कोई भी सामने आए तो फौरी तौर पर एफ आई आर रजिस्टर करके उस मुल्जम को कैफे करदार तक पहुँचाएं, लेकिन इस चीज में आप लोगों की हेल्प के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए आपकी आबादी बहुत ज्यादा है और पुलिस की तादाद अनफॉर्चुनेटली थोड़ी कम है, इस वजह से आप लोग अगर अपना किरदार साथ अदा करेंगे तो ये काम जो हम लोगों ने शायद सालों में करना है वो शायद चंद दिनों में पूरी हो जाए और हम इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लें। तो अपने बच्चों पर खुशी नजर रखें, उनकी हरकत करा देखें, उनका उठना बैठना इन लोगों के साथ है, उनकी जो रूटीन है उसमें कोई तब्दील तो नहीं बदली है, बच्चे वॉशरूम में कोई ज्यादा टाइम तो नहीं गुजार रहे हैं, बच्चे चुप या सहमे हुए या डरे हुए तो नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन से ऐसी बात करते हुए झिझकते हैं। तो आप उनको ये इत्मीनान दिलाएं कि बच्चे आपके साथ अगर कोई बंदा बुरा टच करता है, अगर आपकी किसी बॉडी पार्ट को हाथ लगाता है तो फौरी तौर पर आके अपने किसी बड़े भाई को या अपने वालिद को बतलाए, इतना इत्मीनान उनके अंदर जरूर हो कि अगर उनके साथ कोई इस तरह की हरकत करे तो कम अज कम वो अपने वालिदैन को आके ये बता सके। उनके अंदर जो डर है और एक खौफ का जो है वालिदैन के अंदर वो हमने सामने मिलकर उसको खत्म करना। बाकी पुलिस इस मामले में आपकी एक कॉल की दूरी पर है, आपको पता है कि हमारी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, 8787 है, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई जिससे जाती के मुताबिक इतला मिलती है या आपके सामने कोई केस आता है। इसी तरह जो थाने के नंबर है और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो भी थाने के बाहर अवेजा है, आप उस पर इतला दे सकते हैं। डीएसपी साहब के भी इसी तरह दोनों नंबर है, उस पर आप इतला दे सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ एक बात और मैं करना चाहूंगा कि ये जो काइट फ्लाइंग है ये भी आजकल एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की कीमती जानों का जाया हुआ है। ये जो डोर है ये अब इतनी इस हद तक खतरनाक हो चुकी है कि ये खेल नहीं रह गया, ये अब एक तरह का जुर्म बन गया है। अगर आपके मोहल्ले में या आपके इर्द गिर्द के दुकान में कहीं पतंगबाजी हो रही है या पतंगों की फरोख्त हो रही है या कोई बच्चे जो है वो पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो खुदारा उनको मना करें, क्योंकि जब बाइक्स वाले लोग जो जाते हैं बहुत सारे वाकयात हमने अखबारों में टीवी पे पढ़े होंगे सुने होंगे कि डोर फिरने से बहुत सारे लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है और बहुत ज्यादा खतरे हैं। तो ये बासियत माशरा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर जो माशरे में जो काकी बुराइयां हैं जो जराइम हैं इनको मिलजुल के खत्म करें। आपकी पुलिस आपके साथ है, हम सब आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, आपका तावन दरकार है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक और खास बात लास्ट में थी कि अगर किसी साहब की कोई कंप्लेंट या कोई शिकायत हो किसी भी हवाले से तो नमाज के बाद वो मुझे यहीं पे भी दे सकता है और अगर थाने में आके देना चाहे तो थाने में भी आके दे सकता है, उसके लिए भी हम लोग मिलेगा। बहुत शुक्रिया।